की जाए। नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अब वक्त है दिन भर की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का, ताकि खबर का वो सच सामने आए जो पत्थर की लकीर हो। इसीलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर से, यानी कि अमेरिका का चुनाव। अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अमेरिका के 50 राज्यों में अब सिर्फ लगभग आधा दर्जन राज्यों से परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन मुकाबला इतना करीबी का है कि इन राज्यों के नतीजों से ही ये तय होगा कि अमेरिका का ताज किसे मिलेगा। रुझानों को देखते हुए ट्रंप अपनी जीत तय बता रहे हैं, जबकि बाइडेन का दावा है कि आखिरी वोट की गिनती पूरी होते होते परिणाम उनके पक्ष में आ जाएंगे। अमेरिकी चुनाव की जोरदार टक्कर में पोस्टल बैलेट को लेकर फंसा पेज अब और उलझ गया है। इसीलिए चुनाव परिणाम में देरी तो होगी ही, इसके अदालती दाव पेज में फंसने की आशंका भी बढ़ गई है। अमेरिका का बिग बॉस, ट्रंप के सिर पर फिर सजेगा ताज। या बाइडेन की बनेगी सरकार। 270 के जादुई आंकड़े के लिए जारी है कांटे की टक्कर। अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय होना अभी भी बाकी है, लेकिन अब तक आए चुनाव परिणामों से ट्रंप ने उन सभी चुनावी भविष्यवाणियों को झुठला दिया है जिनमें उनकी हार तय मानी जा रही थी। ट्रंप न सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं, अमेरिकी चुनाव का नतीजा अब सिर्फ कुछ राज्यों के नतीजों पर आकर टिक गया है। इन राज्यों का परिणाम ही ये तय करेगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। जिन राज्यों के नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उनमें पहला नाम है पेंसिल्वेनिया का। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बड़ा राज्य है जिसके 20 इलेक्टोरल वोट होते हैं। हालांकि यहाँ ट्रंप ने काफी बढ़त बना ली है। पेंसिल्वेनिया के बाद जिस राज्य के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है वो नॉर्थ कैरोलिना है। इस राज्य के 15 इलेक्टोरल वोट हैं और यहाँ भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाए हुए है। नतीजों का इंतजार मिशिगन राज्य का भी है, यहाँ 16 इलेक्टोरल वोट हैं और फिलहाल यहाँ भी ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। जॉर्जिया राज्य में भी 16 इलेक्टोरल वोट हैं और यहाँ भी ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। नवादा राज्य से 6 इलेक्टोरल वोट आते हैं और यहाँ बाइडेन को बढ़त हासिल है। इसी तरह विस्कॉन्सिन राज्य के 10 इलेक्टोरल वोट हैं और यहाँ भी बाइडेन को बढ़त हासिल है। माना यही जा रहा है कि इन राज्यों के परिणाम आने के बाद ये तय हो पाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन अगर अब तक आए नतीजों और बढ़त के मुताबिक सीटों का गणित जोड़ा जाए तो ट्रंप की सरकार बनती दिख रही है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं और उन्हें जितने राज्यों में बढ़त हासिल है वहां से 67 इलेक्टोरल वोट आते हैं। अगर ये बढ़त जीत में बदलती है तो ट्रंप के हिस्से में 280 इलेक्टोरल वोट आ जाते हैं, इसी तरह उनकी सरकार बन जाती है। जबकि बाइडेन को अब तक 224 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं और उनकी बढ़त जिन राज्यों में है वहां से सिर्फ 16 इलेक्टोरल वोट और आते हैं। इस तरह वो 240 के आंकड़े तक ही पहुंचते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत से राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच मार्जिन काफी कम है, इसलिए आखिरी नतीजा किसके पक्ष में आएगा कोई नहीं कह सकता, और इसी गणित की वजह से ट्रंप और बाइडेन दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। We're going to have to be patient.
until we the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. इस बार अमेरिका के चुनाव नतीजे सामने आने में काफी वक्त भी लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोस्टल बैलेट, जिसका लोगों ने इस बार काफी इस्तेमाल किया है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने पोस्टल बैलेट सुविधा का इस्तेमाल किया और घर बैठे अपने वोट डाले। अब इन वोटों की गिनती में काफी वक्त लग रहा है। We've never had to count this large number of mail-in ballots and have an in-person election. So we had no, we thought that we had timed it right, but truthfully, we've never done it before this, you know, in this large number. पोस्टल बैलेट की वजह से चुनाव परिणामों में हो रही देरी अमेरिका में अब सियासी मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे बेहद नाराज हैं। वो बार बार पोस्टल बैलेट पर उंगली उठा रहे हैं। ट्रंप लगातार पोस्टल बैलेट से फर्जीवाड़े की आशंका जता रहे हैं। ट्रंप की दलील है कि पोस्टल बैलेट में मेल बॉक्स के जरिए हेरा फेरी की जा सकती है, इसीलिए ट्रंप ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग रोकने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने 3 नवंबर के बाद मतदान और मतगणना पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव पहले भी कानूनी दांवपेच में फंसा है। साल 2000 में जॉर्ज बुश और अलगोर के बीच मुकाबले का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ। एक महीने की देरी हुई थी नतीजे आने में और जनता की राय भी बटी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा और कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में कई बदलाव भी करने पड़े। एक बार फिर 2020 में मामला कानूनी दांवपेच में फंसता दिख रहा है। देखना होगा कि अगर इस तरह से मामला फंसता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में कितनी देरी होती है। इस बार ट्रंप और बाइडेन के बीच जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है, उससे देखते हुए ये भी उम्मीद है कि कहीं दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर न छूटे, यानी दोनों को ही 269 इलेक्टोरल वोट मिले। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर किसी उम्मीदवार को 260 इलेक्टोरल वोट मिले तो मुकाबला टाई हो जाएगा। ऐसा होने पर सीनेट राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। अमेरिका के इतिहास में अब तक 2 बार सीनेट राष्ट्रपति का चुनाव कर चुकी है। ट्रंप ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर वो ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि मसला और तूल पकड़ लेगा। अमेरिका के चुनाव के नतीजों से एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं चुनाव परिणामों को लेकर अमेरिका में भी काफी तनातनी है, जिससे चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हिंसा और दंगे का भी खतरा है। इसे देखते हुए न सिर्फ व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि कई शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम तय होने तक हम आपको इससे जुड़ी हर खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे भारतीय सेना की शान में आज हुआ एक बड़ा इजाफा। साथ ही आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना की बड़ी ताकत से चीन और पाकिस्तान किस कदर बेचैन उठे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नर्मदा की गहराई